योग निद्रा शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम करने की एक प्रभावी विधि है। एक सामान्य नींद की अपेक्षा योग निद्रा के अभ्यास से शरीर को कई गुना अधिक ताजगी मिलती है। आपका मन शांत होने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, हार्ट रेट धीमी हो जाती है और शरीर में किसी भी तरह के स्ट्रेस हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं। योग निद्रा एक ऐसी प्रभावशाली तकनीक है जिसका प्रयोग हजारों सालों से रिलैक्सेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता रहा है। योग निद्रा का अभ्यास हर उम्र के लोग कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो योग निद्रा को ज़रूर अनुभव करें। योग निद्रा के 10 मिनट कई घंटों की नींद से मिले आराम से अधिक प्रभावशाली होते हैं। ये न सिर्फ आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार लाएगा बल्कि इंसोमनिया की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आइए योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं। इस योग निद्रा के दौरान मैं मधु चौधरी आपको गाइड करूंगी। आराम से पीठ के बल लेट जाएं और पूरे शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। शरीर पर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो टाइट लग रही हो, जैसे कि बेल्ट, घड़ी, तो उसे ढीला कर दें या खोल दें। थोड़ी देर चाहें तो पैरों को घुटनों से मोड़ लें, ऐसे कि आपके तलवे यानी कि सोल ज़मीन पर टिके रहें। इससे आपकी पीठ को काफ़ी आराम महसूस होगा। गर्दन को दाएं बाएं हिलाकर रिलैक्स कर लें। अब पैरों को सीधा कर लें। शरीर में अगर अभी भी डिस्कम्फर्ट लग रहा हो तो बारी बारी लेफ्ट और राइट साइड करवट लें और फिर से पीठ के बल आ जाएं। धीरे से अपनी आँखें बंद कर लें। कोशिश करें पूरी योग निद्रा के दौरान आंखें बंद ही रहें। एक गहरी सांस भरें और पूरा सांस मुंह से बाहर छोड़ दें। इस सांस के साथ आई रिलैक्सेशन को महसूस करें। एक और गहरी सांस भरें और मुंह से पूरा सांस बाहर छोड़ दें। महसूस करें इन सांसों के साथ सारा तनाव, सारी चिंताएं शरीर से बाहर जा रहे हैं। धीरे से अपना ध्यान मन में चल रहे विचारों की तरफ ले आएं। जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें बस देखते रहें। अच्छे या बुरे विचार, उनका विश्लेषण ना करें, एनालाइज ना करें, देखते जाएं। आप पाएंगे कि विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब ध्यान विचारों से हटाकर
अपने आसपास के वातावरण पर ले आएं। मन की आंखों से आसपास की चीजों को देखें। आप जिस आसन पर या बिस्तर पर लेटे हैं उसे अपने शरीर के नीचे महसूस करें। अपने आसपास के तापमान को महसूस करें, ठंडा या गर्म, या फिर मन को भाने वाला गुनगुना सा महसूस करें। अब हवा में किसी भी तरह की खुशबू को महसूस करें। ये खुशबू किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपके मनपसंद खाने की, किसी परफ्यूम की, मिट्टी की सौंधी सौंधी महक, या फिर ताज़ी हवा की खुशबू। इस खुशबू को गहरी सांस के साथ अपने भीतर तक महसूस करें। अब अपना ध्यान आसपास की आवाज़ों की तरफ ले जाएं। हर धीमी से धीमी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। किसी के बोलने या चलने की आवाज़, दूर से आती टीवी या मोबाइल की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, पक्षियों की चहचहाहट, दूर की आवाज, पास की आवाज, तेज आवाज, धीमी आवाज सुनते रहें। फिर से अपने शरीर की ओर आ जाएं। मन की आंखों से अपने आप को लेटे हुए देखें, जैसे आप अपने आप को ऊपर से कहीं देख रहे हैं। आप लेटे हुए हैं और आराम कर रहे हैं, योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। अब समय है एक संकल्प लेने का, एक ऐसा संकल्प जो आप दिल से चाहते हैं कि वो पूरा हो, ऐसा संकल्प जो आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाहते हैं। ये संकल्प आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है, आपके रिश्तों से जुड़ा हो सकता है, या फिर आपके जॉब से संबंधित, आपकी पढ़ाई से संबंधित, जो भी आप चाहते हैं उसे पूरे विश्वास के साथ 3 बार कहें। योग निद्रा के समय किए गए संकल्प अवश्य ही फलीभूत होते हैं, पूर्ण होते हैं। इस संकल्प को पूरी आस्था और विश्वास के साथ मन ही मन 3 बार दोहराएं, एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में। अब आप मेरे निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनें। आज की योग निद्रा बहुत ही विशेष है। इस विशेष योग निद्रा में हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तरफ ध्यान ले जाएंगे और साथ ही साथ उनकी हीलिंग करेंगे। ध्यान लगाने से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है,
जो आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाता है। साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह योग निद्रा बहुत ही उपयोगी है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं जिस भी अंग का नाम लूं, आप मन ही मन उसका चित्र अपने मस्तिष्क में लाएं और उस नाम को मानसिक रूप से दोहराएं और इसके साथ ही उस भाग को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। सिर से शुरू करते हैं। ध्यान अपने ललाट की तरफ ले आएं, यानी फोरहेड, दाई आँख, बाई आँख, दाई भौं, बाई भौं, दोनों भवों के बीच का स्थान, नाक, नाक का दाया छेद, बाया छेद, दाहिना गाल, बाया गाल, ऊपरी होंठ, निचला होंठ, ठुड्डी, मन ही मन इन अंगों को देखते जाएं और रिलैक्स छोड़ते जाएं। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ की तरफ ले आएं। दाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, दाई छाती, दाई कमर, दाई जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, दाई पैर की एड़ी, तलवा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा दाहिना पैर, शरीर का पूरा दायां भाग एकदम रिलैक्स छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान बाएं हाथ की तरफ ले आएं। बाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बाई छाती, बाई कमर, बाई जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, शरीर का पूरा बायां भाग एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स और ढीला छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान पीठ की तरफ ले जाएं। पूरी पीठ, दायां कंधा, बायां कंधा, रीढ़ की हड्डी, हर छोटे से छोटा भाग, हर छोटी से छोटी कशेरुका की तरफ ध्यान ले जाएं। मानसिक रूप से हर भाग को देखते जाएं, शिथिल छोड़ते जाएं। पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ और रीढ़ की हड्डी, पूरा पेट, छाती, चेहरा, मानसिक रूप से पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करें। पूरा शरीर
एकदम शांत और स्थिर है। आप आराम से लेटे हैं, हर श्वास प्रश्वास को अनुभव करें, आते जाते देखें, महसूस करें आप कौन से नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस ले रहे हैं, आपकी सांस कैसी है, लंबी, गहरी या फिर छोटी, सांस गर्म है या फिर ठंडी। पेट पर ध्यान ले जाएं, सांसों के साथ पेट के मूवमेंट को देखें। सांस अंदर आती है, पेट ऊपर की तरफ उठता है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है। इन सांसों के साथ एक से लेकर 10 तक गिनती करेंगे। सांस अंदर 1, सांस बाहर 1, सांस अंदर 2, सांस बाहर 2, गिनते रहें। रिलैक्स। अब ध्यान सांसों से हटाकर अपने मानस पटल की तरफ ले आएं। आंखों के सामने जो काला पर्दा है, उस पर एक सुंदर बगीचे का दृश्य देखें। अपने आप को उस बगीचे में टहलते हुए देखें। हरी मखमली घास पर आप टहल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। घास पर ओस की बूंदें जमी हैं। ये ओस की बूंदें सूरज की किरणों से झिलमिला रही हैं। आप टहलते हुए इस नज़ारे का मजा ले रहे हैं। कुछ दूर चलने पर आप देखते हैं कि घास पर एक लाल रंग का पत्थर जैसा कुछ चमक रहा है। आप पास जाकर देखते हैं, ये बहुत ही सुंदर लाल रंग की एक पारदर्शी बॉल जैसी कोई चीज है। आप इस सुंदर बॉल को अपने हाथ में उठा लेते हैं। ये बॉल बहुत ही सुंदर और चमकदार है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इसमें से बहुत सुंदर प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ पर जहाँ जहाँ ये किरणें गिर रही हैं, वहाँ एक बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है। एक अलग सी शांति और आराम का एहसास। आप महसूस करते हैं कि ये चमकदार बॉल कोई साधारण बॉल नहीं है। इसमें
कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, विशेष हीलिंग पावर है। आप बगीचे में रखी बेंच पर बैठ जाते हैं और उस गेंद को अपनी गोद में रख लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। आप महसूस करते हैं कि गेंद से निकलने वाली किरणें आपके दोनों पैरों में प्रवेश कर रही हैं और जहां जहां से ये किरणें गुजर रही हैं वहां आप बहुत ही अच्छा और हल्का महसूस करते हैं। आपके दोनों पैर एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। सारी थकान, सारा तनाव इस प्रकाश के साथ गायब होता जा रहा है। दोनों पैरों में गहराई तक, हर एक मसल तक, हर सेल तक आप इस रिलैक्सेशन को महसूस कर पा रहे हैं। आपके पैरों के तलवों और पंजों तक एक शांति और आराम की लहर दौड़ रही है। बॉल से निकलने वाली किरणें आपके पेट और छाती से होती हुई दोनों हाथों तक जा रही हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर एक पॉजिटिव एनर्जी से भरता जा रहा है। पूरे शरीर की हीलिंग हो रही है। शरीर की एक एक मसल, एक एक सेल तक हीलिंग होती जा रही है। आपके शरीर का हर एक अंदरूनी भाग एकदम स्वस्थ होता जा रहा है। हर अंग ठीक से काम कर रहा है। इन अद्भुत किरणों से आपका पूरा शरीर गहरे आराम की अवस्था में जा रहा है। आपके कंधे, दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो रहे हैं और आप इस दृश्य को आसानी से अपने मानस पटल पर देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इस हीलिंग एनर्जी को अपनी रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करते हुए। आप महसूस करते हैं पूरी रीढ़ की हड्डी एकदम रिलैक्स हो रही है। दिन भर का तनाव और थकान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आपका मन प्रसन्नता से भरता जा रहा है। हर पल आपका शरीर और स्वस्थ होता जा रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य रोशनी आपकी गर्दन से होती हुई आपके चेहरे और मस्तिष्क में प्रवेश करती है। आपका मस्तिष्क एकदम से शांत होता जा रहा है। गहरा आराम, डीप रिलैक्सेशन, कंप्लीट हीलिंग। पूरे शरीर में सिर से लेकर पैरों के पंजों तक इस गहरे आराम को महसूस करें। इस हीलिंग बॉल से निकलने वाली किरणें आपके शरीर को, मन मस्तिष्क को पूरी तरह से स्वस्थ बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं। अब आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एकदम स्वस्थ हैं। आप बहुत ही हल्का और अच्छा महसूस कर रहे हैं। एकदम प्रसन्नता
और ऊर्जा से भरे हुए, मानो जीवन में सब कुछ पा लिया है, कुछ और पाने की इच्छा बाकी नहीं रही। अब कुछ देर ऐसे ही बॉल को अपनी गोद में लेकर बैठे रहते हैं। अपने मानस पटल पर देखें कि अब आपने अपनी आंखें खोल दी और धीरे से बेंच से खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे चलते हुए आप बॉल को वापस उसी जगह पर रख देते हैं जहां से आपने इसे उठाया था, ताकि अगर किसी और को हीलिंग की ज़रूरत हो तो वो इस बॉल का उपयोग कर सके। आज के बाद जब भी ज़रूरत लगे आप इस बगीचे में आकर इस बॉल से अपने आप को हील कर सकते हैं। ये आपकी अपनी ही बॉल है जो हमेशा इस बगीचे में इसी जगह पर रखी हुई मिलेगी। अब अपने मानस पटल पर देखें कि आप धीरे धीरे वापस चलते हुए अपनी जगह पर आकर लेट जाते हैं, उसी जगह जहां से आपने योग निद्रा का अभ्यास शुरू किया था। मन की आंखों से अपने आप को लेटे हुए देखें। आपका शरीर लेटा हुआ है और आप आराम कर रहे हैं। योग निद्रा की शुरुआत में किए गए संकल्प को मन ही मन दोहराएं। वही शब्द, वही भाषा और वही विश्वास। अब अपने आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करें, आवाज़ों को सुने। धीरे से अपना ध्यान सांसों की तरफ ले आएं। एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। धीरे से अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। आंखें बंद रखते हुए बाईं तरफ करवट ले लें। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहें। अगर आप सोना चाहते हैं तो इसी अवस्था में आप सो सकते हैं। और जब आपका मन हो धीरे से उठकर बैठ जाएं। हथेलियों को आपस में मलें और आंखों पर रख दें। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।